नमस्कार मैं प्रिया, आज है 8 सितंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में किसानों को मुफ्त उर्वरक देगी सरकार। सिलेबस का मामला लेकर राजभवन पहुंचे शिक्षा मंत्री। बिहार में अब इमरजेंसी सेवाओं के लिए होगा एक ही नंबर। बिहार के किसानों को मिलेगा 50,000 से 1,00,000 रुपए तक का। अब सिर्फ नए खाते में होगा सरकारी स्कूल का हिसाब किताब। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने निकाली रिक्तियां। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल ने इंजीनियर पर्यवेक्षक के कुल मिलाकर 22 पद पर आवेदन की मांग की है। वहीं अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री, डिप्लोमा या समकक्ष और अनुभव होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 29 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.bhel.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। किसानों को मुफ्त उर्वरक देगी सरकार। बिहार में किसानों के लिए सरकार जल्द ही मुफ्त उर्वरक की घोषणा करने जा रही है, जिसके तहत अब बिहार में धान के पुआल यानी कि पराली को उच्च तापमान पर जलाकर बायोचार उर्वरक बनाने की योजना है। इसकी मदद से मिट्टी में कार्बन की कमी को दूर किया जा सकेगा, साथ ही इसे खेतों में डालने से उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है, जो कि किसानों को फिलहाल मुफ्त में ही दी जाएगी। इसको लेकर बायोचार उत्पादन के लिए कृषि विभाग कृषि विज्ञान केंद्रों में भट्टी लगाने का काम करेगा और किसानों से पुआल खरीदा करेगा। इस बाबत बायोचार के उत्पादन की योजना बनाई गई है। इस उपक्रम से पर्यावरण को प्रदूषित होने से भी बचाया जा सकेगा। ज्ञात हो बायोचार की मदद से इन परालियों को कार्बन ठोस रूप में अवशोषित किया जाता है। पटना से चलने वाली ट्रेनों से यूपी बिहार के कई जिलों का होगा फायदा। पटना से रेल कनेक्टिविटी अब और ज्यादा मजबूत होने वाली है, क्योंकि जल्द ही बिहार के सारण, सिवान और गोपालगंज जिलों के साथ ही उत्तर प्रदेश के बलिया और अन्य जिलों के लिए पटना से रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम किया जाएगा, जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों को काम में लगा दिया गया है। साथ ही रेलवे ने भी अपनी तैयारी इस बाबत शुरू कर दी है। रेलवे की माने तो छपरा से पटना के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। फिलहाल इस रूट पर केवल एक साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाती है। अब भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा है कि महाराजगंज मशरक होते हुए पटना तक के लिए ट्रेन सेवा की शुरुआत जल्द होगी। अगले कुछ दिनों तक बिहार वासियों को सता सकती है गर्मी। बिहार में अब मॉनसून आंशिक रूप से सक्रिय है। हम इसे ऐसे कहें कि अब मॉनसून बिहार में कमजोर पड़ता जा रहा है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि बारिश की गतिविधियां कमजोर हो गई हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे में बारिश की कोई खास गतिविधि नहीं होने वाली है। ऐसे में अब लोगों को गर्मी झेलनी पड़ सकती है। बताया तो ये भी जा रहा है कि प्रदेश के ज्यादातर बड़े शहरों में तापमान में अधिकतम देखने को मिलेगी। पटना मौसम केंद्र की माने तो प्रदेश में पुरवैया हवा बहती रही है और नमी का प्रभाव बढ़ा है। अगले कुछ दिनों में इसकी तीव्रता में और बढ़ोतरी होगी। अधिकतम तापमान के बीच नमी की मात्रा के प्रभाव से स्थानीय स्तर पर गरज तड़क वाले बादल बनेंगे और वज्रपात की घटनाएं बढ़ सकती हैं। राजधानी पटना में तापमान में बढ़ोतरी होने की बात भी बताई जा रही है। केंद्रीय टीम ने किया भागलपुर और नवगछिया का हवाई सर्वे। बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने आई केंद्रीय टीम ने बीते दिन भागलपुर और नवगछिया का हवाई सर्वेक्षण किया। वहीं नवगछिया के कई इलाकों में टीम ने स्थल निरीक्षण भी किया। इसके बाद सभी सदस्य भागलपुर पहुंचे। टीम ने यहां सबौर और कहलगांव आदि बाढ़ प्रभावित स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने स्माहर नाले में बैठक भी की, जिसके बाद अब टीम गृह विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस दौरान बिहार दौरे पर आई केंद्रीय टीम को आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से बाढ़ से हुए नुकसान पर एक समेकित प्रेजेंटेशन भी दिखाया गया। मामला लेकर राजभवन पहुंचे शिक्षा मंत्री। बीते दिन बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जेपी विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम से लोक नायक जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक विचारों को हटाने के मसले पर राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की, जहां मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि इस मसले पर राज्यपाल फागू चौहान इसी सप्ताह प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाएंगे। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने आगे ये भी कहा कि राज्यपाल चौहान ने आग्रह किया है कि इस मामले में आवश्यक हस्तक्षेप कर निपटारा किया जाए। उनकी बातों को राज्यपाल ने ध्यान से भी सुना और इस मसले की संवेदनशीलता को देखते हुए आवश्यक निदान कराने का आश्वासन दिया है।
दूसरे चरण में प्रचार के लिए इतना मिलेगा समय। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इन सब के बीच अब चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण के नामांकन को बीते दिन से स्वीकारना शुरू कर दिया है, जिसके बाद अब आयोग ने दूसरे चरण में किए जाने वाले प्रचार को लेकर सारी जानकारी साझा की है। आयोग ने बताया है कि दूसरे चरण में भाग्य आजमा रहे उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए मात्र 9 दिनों का समय मिलेगा। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार की आखिरी तारीख 27 सितंबर तय की है। ज्ञात हो दूसरे चरण में मंगलवार यानी 7 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की अंतिम तारीख 13 सितंबर है, जिसके बाद 16 सितंबर की स्क्रूटनी होते ही 18 सितंबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। उसके बाद प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार कर सकेंगे। हालांकि प्रत्याशियों को मतदाताओं के घर जाकर व्यक्तिगत संपर्क के लिए 28 सितंबर शाम तक का समय दिया गया है। बिहार में इमरजेंसी सेवाओं के लिए होगा एक ही नंबर। अक्सर इमरजेंसी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आम नागरिकों को अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग इमरजेंसी नंबर डायल करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपदा चाहे कोई भी हो, अब बिहारवासी केवल एक ही इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके मदद ले सकते हैं। इस बाबत बिहार में जल्द ही इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम को तैयार किया जा रहा है। यह सिस्टम दिसंबर से काम करना शुरू कर देगी, जिसके तहत ही अब बिहार में डायल 100 के बदले डायल 112 पर पुलिस फौरन मदद करने पहुंचेगी। इस बाबत स्पेशल ब्रांच एडीजी जितेंद्र कुमार गंगवार ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि एकीकृत कंट्रोल रूम अब देश में 112 नंबर से चलाई जा रही है। बिहार में इसमें काफी प्रगति देखने को मिली है। शीघ्र ही बिहार में भी इमरजेंसी के दौरान लोगों को बस एक ही नंबर डायल करना पड़ेगा। मेडिकल फर्स्ट ईयर के छात्रों ने किया हंगामा। बिहार के मेडिकल फर्स्ट ईयर के छात्रों ने प्रमोशन देने की मांग को लेकर बीते दिन मीठापुर स्थित आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में खूब हंगामा किया। छात्रों का कहना है कि 1 सितंबर को जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचे तो यूनिवर्सिटी प्रबंधन से उन्हें जानकारी मिली कि उनके प्रमोशन को लेकर 5 सितंबर तक निर्णय हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। जब नोटिस नहीं मिला उसके बाद ही छात्र अपनी मांग को लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंचे हैं। हालांकि इस दौरान नाराज छात्रों को विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ पुष्पेंद्र कुमार वर्मा ने समझाया बुझाया। उन्होंने छात्रों को 10 तारीख तक मांग पूरी किए जाने का आश्वासन दिया है। हालांकि छात्र फिलहाल ये सुनकर शांत तो हो गए हैं, लेकिन उन्होंने 10 तक मांग पूरी नहीं होने पर फिर से विरोध करने का ऐलान कर दिया है। पहचान में हम बात करेंगे सैयद हसन की। सैयद हसन का जन्म बिहार के जहानाबाद में हुआ था। सैयद हसन, जिसे सैयद भाई के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय शिक्षाविद, मानवतावादी और इंसान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के संस्थापक थे, जो ज्यादातर इसके संस्थापक संगठन इंसान स्कूल में एक के लिए जाने जाते थे। वो किशनगंज में शिक्षा लेने के अपने अग्रणी प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। वो पहले भारतीय राज्य बिहार में शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ था। वो 2003 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित हुए थे। भारत सरकार ने उन्हें 1991 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित भी किया है। अब सिर्फ नए खाते में होगा सरकारी स्कूल का हिसाब किताब। बिहार के सभी सरकारी स्कूल के पुराने खातों को बंद करने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत अब जल्द ही दो तरह के नए खातों को खोला जाएगा, जो कि एक बैंक अकाउंट मिड डे मील होगा और दूसरा बैंक अकाउंट शिक्षा समिति का होगा। इन दोनों बैंक खातों का समग्र शिक्षा के तहत ऑपरेट किया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने 2 महीने पहले ही सभी स्कूल से इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिया था। स्कूलों को इस सप्ताह के अंत तक पुराने सभी बैंक खाते बंद करने होंगे, क्योंकि जब तक पुराने बैंक अकाउंट बंद नहीं होंगे तब तक नए बैंक अकाउंट खोलने की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। नए बैंक अकाउंट में स्कूल प्राचार्य और विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव का सिग्नेचर रहेगा। ज्ञात हो पहले यह पैसा सर्व शिक्षा अभियान के तहत दिया जाता था। बिहार के 3 वीडियो पर गिरी गाज। बिहार सरकार ने बीडीओ पर बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने इन अफसरों की वेतन में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि पश्चिम चंपारण और मुजफ्फरपुर जिले में पदस्थापित बीडीओ के ऊपर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि अधिकारियों के ऊपर शिथिलता बरतने का आरोप लगाया गया है। इन सब के खिलाफ सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया है। बिहार के ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर प्रखंड के तत्कालीन बीडीओ, पश्चिम चंपारण जिले के मंझौलिया के तत्कालीन बीडीओ और मुजफ्फरपुर जिले के ही मीनापुर प्रखंड के बीडीओ के खिलाफ एक्शन लिया गया है। फिलहाल इन तीनों का वेतन रोक दिया गया है। बिहार के किसानों को मिलेगा 50,000 से 1,00,000 रुपए तक का लोन। बिहार के सभी किसानों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार जल्द ही किसानों को 50,000 से 1,00,000 रुपए तक का लोन देने वाली है। सरकारी जानकारों की माने तो किसानों के पास खेती करने के समय में सबसे बड़ी समस्या पूंजी की ही होती है, जिसके तहत बीज खाद के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। यही कारण है कि अब बिहार सरकार ने ऐसे किसानों की मदद के लिए यह कदम उठाया है। पहले चरण में 20 जिलों के 25,000 सब्जी उगाने वाले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया जा रहा है। सहकारिता विभाग से मिली
मिली जानकारी के अनुसार समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पटना, नालंदा, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, भोजपुर, बक्सर, छपरा, गोपालगंज और सिवान जिले में पैक्सों से जुड़े सब्जी उत्पादक किसानों को केसीसी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बैतूल से मुखिया जी करेंगे चुनाव प्रचार। पंचायत चुनाव को लेकर आयोग की तरफ से चुनाव प्रचार के दौरान जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवारों को अधिकतम 4 दोपहिया वाहन और 2 हल्के मोटर वाहन या दोपहिया वाहन और 1 हल्का मोटर वाहन उपयोग करने की अनुमति दी गई है। इस बार चुनाव में रिक्शा, बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी से भी प्रचार की अनुमति दे दी जाएगी। मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति सदस्य पद के उम्मीदवार अधिकतम 2 पहिया वाहन और 1 हल्का मोटर वाहन ही उपयोग में ला सकेंगे। इधर ग्राम पंचायत सदस्य, जिन्हें हम वार्ड कहते हैं, या फिर पंच उम्मीदवार मात्र 2 पहिया वाहन से प्रचार कर सकेंगे। वाहनों की अनुमति संबंधित प्रखंड के निर्वाची पदाधिकारी से प्राप्त करनी होगी। यह अनुमति पत्र अथवा परमिट खुद उम्मीदवार या उनके निर्वाचन अभिकर्ता को ही मिलेगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि लाउडस्पीकर का उपयोग की स्वीकृति संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी देंगे, जबकि लाउडस्पीकर का उपयोग कोई भी उम्मीदवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक ही कर सकता है। बिहार में सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। राजधानी पटना समेत बिहार के सभी नगर निकायों की सफाई व्यवस्था बीते दिन चरमरा गई, क्योंकि बीते दिन से ही पटना नगर निगम समेत सभी निकायों के कर्मी ने अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी, जिसका आह्वान बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा और बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने किया है। ज्ञात हो, प्रदर्शनकारियों ने संकल्प लिया है कि यह बेमियादी हड़ताल शांतिपूर्ण ढंग से तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांगों पर सरकार फैसला नहीं ले लेती। वहीं इस बाबत नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने बताया कि हड़ताल को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मी से शहर की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। हनुमान चालीसा पढ़ने की जगह देने की मांग पर राजद ने किया पलटवार। हाल ही में झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए हेमंत सरकार ने अनुमति दी है, जिसको लेकर बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। इस बाबत भाजपा नेताओं ने इस कदम को समाज में गलत मैसेज देने वाला करार किया था, जिसके बाद अब इस मुद्दे पर राजद ने भाजपा का घेराव किया है, जिसके तहत राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिन लोगों को बिहार में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जगह नहीं मिल रही है, उन्हें हम जगह देंगे, हमसे संपर्क करें। इन लोगों को महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा नजर नहीं आता है, उन मुद्दों को उठाते हैं जिनका बिहार से कोई लेना देना ही नहीं है। ललन सिंह की अध्यक्षता में 9 सितंबर को होगी जदयू की प्रदेश इकाई की बैठक। जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी ललन सिंह ने संभाली है, उसके बाद से ही पार्टी के प्रदेश इकाइयों की पहली बैठक होने वाली है। 9 सितंबर को पार्टी के कर्पूरी सभागार में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को बुलावा भेजा गया है, जिसके तहत आयोजित बैठक में ललन सिंह खुद ही सभी प्रकोष्ठों के कामकाज की समीक्षा करने वाले हैं, जिसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दी है। उन्होंने इस बाबत कहा है कि आयोजित बैठक में पार्टी आगे की रणनीति तैयार करने वाली है। ज्ञात हो, जदयू में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभालने के बाद ललन सिंह के द्वारा प्रदेश इकाई के सभी प्रकोष्ठ की यह पहली बैठक होने वाली है, जिसमें प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बैठक में हिस्सा लेंगे। जनगणना पर मांझी ने लगाए तेजस्वी पर आरोप। बिहार में इन दिनों जातिगत जनगणना को लेकर लगातार मांग उठाई जा रही है। इन सब के बीच अब इस मुद्दे को लेकर जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर बड़े आरोप लगाए हैं, जिसके तहत बीते दिन हम के जनता दरबार में उन्होंने तेजस्वी को आड़े हाथों लेते हुए उस बात को दोहराया जिसमें तेजस्वी ने जातीय जनगणना को लेकर पीएम मोदी को रिमाइंडर भेजने की बात कही थी। इस बाबत उन्होंने कहा कि वो लीड लेने के चक्कर में लगे हुए हैं और सबको दिखाना चाहते हैं कि वो सबसे आगे हैं। यह महत्वपूर्ण विषय है, ऐसे में इस मुद्दे को लेकर जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, मांझी ने इस दौरान ये भी कहा कि वो भले ही राजनीति में है, लेकिन वो राजनीतिकरण कभी नहीं करते हैं। पशुपति पारस ने 5 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का किया शुभारंभ। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने 5 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की शुरुआत कर दी है, जो कि वर्चुअल माध्यम से की गई, जिसके नाम फिनिक्स फ्रोजन फूड्स गुजरात, ओथोज कोलेजन गुजरात, हैन फ्यूचर नेचुरल प्रोडक्ट्स कर्नाटक, ग्रेनटेक फूड्स असम, वसंत मसाला गुजरात है। जिसके बाद इसको लेकर उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि यह परियोजनाएं किसानों के लिए समृद्धि लाएगी और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर सृजित करेगी। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा फूड प्रोसेसिंग सप्ताह मनाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत इसका शुभारंभ किया गया है। लोजपा ने उठाई नोटों पर रामविलास पासवान की तस्वीर लगाने की मांग। जब से रामविलास पासवान ने दुनिया को अलविदा कहा है, तब से लोजपा उन्हें अलग अलग अंदाज में सम्मानित
करने की मांग कर रही है। इसी कड़ी में अब लोजपा ने एक और अनोखी मांग की है, जिसके तहत पार्टी की तरफ से चिराग गुटवाली लोजपा ने पीएम नरेंद्र मोदी से नोट पर रामविलास पासवान की तस्वीर लगाने के साथ ही उनके नाम का डाक टिकट जारी करने की अपील की है। इस बाबत लोजपा के संजय पासवान ने कहा कि 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान की पुण्यतिथि है, हमारी पीएम से यही मांग है कि इस अवसर पर रामविलास पासवान के नाम पर डाक टिकट जारी करें, साथ ही नोट पर भी उनकी तस्वीर लगाएं। मुख्यमंत्री के जनता दरबार को तेजस्वी ने बताया ढकोसला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से लोगों की फरियाद सुन रहे हैं, यानी कि जनता दरबार लगा रहे हैं। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार द्वारा लगाए जा रहे जनता दरबार को लेकर विपक्ष अब नीतीश कुमार द्वारा लगाए जा रहे जनता दरबार पर सवालिया निशान उठा रहा है, जिसके तहत तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि जिसके ऊपर आरोप लगे हो उसी को जांच का जिम्मा मुख्यमंत्री दे रहे हैं, ऐसे में इंसाफ की उम्मीद बेईमानी है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नीतीश जी के जनता दरबार के ढकोसले हैं। पूर्व जिला पार्षद की जान लेने के मामले में आरोपी जदयू विधायक रिंकू सिंह पर 7 महीने में कोई कार्रवाई नहीं हुई, सीएम के निर्देश पर पुलिस ने ही उसे बचाया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। गाजी मलिक 1320 में दिल्ली का सुल्तान बना। भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में संयुक्त राष्ट्र शांति शिखर सम्मेलन के दौरान हिंदी में भाषण देते हुए पाकिस्तान को लताड़ा। भारत ने विमानवाहक पोत एडमिरल गोर्शकोव को नए कलपुर्जे तैयार करने के लिए 2009 में रूस को 10 करोड़ 20 लाख डॉलर भेजे थे। 20 भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने गा चुकी आशा भोसले का जन्म 1933 में आज के दिन हुआ था। गीतकार संगीतकार और गायक भूपेन हजारी का जन्म 8 सितंबर 1926 को आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और लोकसभा के प्रभावशाली सदस्य रहे फिरोज गांधी का निधन 1960 में आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जो रूट ने हार की बताई असली वजह। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मैच में भारतीय टीम को शानदार जीत मिली, जिसके बाद भारतीय टीम अब 2-1 से इस सीरीज में आगे चल रही है। इन सब के बीच अब इंग्लैंड टीम के कप्तान जो रूट ने अपनी हार के कारण का खुलासा किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि मैच के आखिरी दिन लंच ब्रेक के बाद जसप्रीत बुमराह के स्पेल ने मैच का नक्शा पलट दिया। बुमराह के स्पेल ने मैच के रुख को मोड़ दिया। भारत को श्रेय दिया जाना चाहिए, उन्होंने गेंद को रिवर्स स्विंग कराया और वो रुख मोड़ने वाला साबित हुआ। उन्होंने कहा कि इस मैच में कुछ हासिल नहीं होना निराशाजनक रहा। हमें लगा कि हमारे पास जीतने का मौका है, हम पहली पारी में अधिक बढ़त बना सकते थे और आपको वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों के खिलाफ मौके भुनाने होंगे। व्हाट्सएप जल्द ही यूजर को देगा नई सुविधा। व्हाट्सएप पर अभी आपका लास्ट सीन प्रोफाइल पिक्चर और अबाउट को या तो सभी लोग आपके कॉन्टैक्ट में या कोई भी नहीं देख सकता है, इसके लिए कोई अनुकूल विकल्प नहीं है। अब नए टूल से इन सीमाओं को जल्द ही हटा लिया जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप अब स्पेशल कॉन्टैक्ट को आपके अबाउट नहीं देख पाने के लिए नए टूल्स पर काम कर रहा है। इस विकल्प के साथ उपयोगकर्ता अपने लास्ट सीन समय को सभी से नहीं लेकिन अनचाही लोगों से छिपाने में सक्षम होंगे। यह विकल्प पहले ही पेशकश की तुलना में गोपनीयता पर अधिक नियंत्रण प्रदान करते हुए प्रोफाइल फोटो और बायोज का भी समर्थन करेगा। एंड्रॉइड की रिपोर्ट के अनुसार एक नए गोपनीयता उपकरण विकसित हो रहे हैं ताकि यह नियंत्रित किया जा सके कि उपयोगकर्ता की प्रोफाइल को कौन देख सकता है और कौन नहीं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 7 सितंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,680 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,910 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 65,000 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 103.89 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.54 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा उनके नाम है गौतम कुमार, संजीव कुमार, जयकृष्ण कुमार, नीतीश कुमार, पीके अरमान, सूर्य शंकर, आदित्य कुमार, बलिंदर कुमार, मनोज कुमार, आदित्य कुमार, अनन्या चौरसिया, रविंद्र पासवान, संजीव पासवान, अखिलेश यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार को संविदा पर बहाल सफाई कर्मियों की नौकरी और वेतन में वृद्धि करने की मांग को मान लेना चाहिए या नहीं। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।